बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फुजाना नदीम। आज हम बना रहे हैं पेरी पैड्स। पेरी पैड बनाने के लिए एक टेबल स्पून चिली सॉस है, हाफ चम्मच कुटी हुई मिर्च है, हसबे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, एक पिंच काली मिर्च शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्च है इसका बीज अंदर से निकाल दिया था, इसको पानी में उबाल लेंगे, एक चम्मच डेढ़ चम्मच सिरका डालेंगे, एक चम्मच चीनी शामिल करेंगे पानी के अंदर, एक 125 ग्राम चिकन है हमारे पास, इसको हमने लंबाई में काट लिया था, एक ही डेढ़ टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बताते हैं आपको बनाने का तरीका, बिल्कुल इजी और आसान है। पानी पकने लगा है, सिरका शामिल कर देंगे, एक चम्मच चीनी शामिल कर देंगे, मिर्ची शामिल कर देंगे इसके अंदर, एक उबाल आने तक इसको फिर निकाल लेंगे। सिरका और चम्मच एक चम्मच सिरका डालने से या चीनी डालने से इनका तीखापन थोड़ा सा हद कम हो जाता है। इसको निकाल लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। एक चम्मच लहसुन ऑयल डाल देंगे, डेढ़ चम्मच इसके अंदर ही चिकन शामिल कर देंगे, इस चिली सॉस भी शामिल कर देंगे इसके अंदर, बाकी के मसाले भी। अच्छा सा इसको पका लेंगे। चाहे तो इसके अंदर टिक्का मसाला हाफ टेबल स्पून टिक्का मसाला भी शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा तीखा खा रहे हैं तो ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं अपने पसंद के मुताबिक। अच्छा सा इसको 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। चार पाँच मिनट लगे हैं, इसकी बुनाई कर दी अच्छे से, पानी बिल्कुल खुश्क करना है इसका, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको, गर्म है, फिर फ्राई करेंगे। Thank you.
ठंडा कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। चिकन की फिलिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ शामिल करेंगे इसके अंदर। पहले कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे, फिर अंडे में, ब्रेड क्रम में, फिर अंडे में लगाएंगे इसको, फिर ब्रेड क्रम में, ऐसे तैयार कर लेनी है। चिकन का पीस लगाना है। चीज़ लगाएंगे इसके अंदर। अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम, फिर अंडे में डिप करेंगे, अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी इसकी, बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। एक और तैयार कर लेते हैं। थोड़ी चीज़ शामिल करेंगे इसके अंदर। लास्ट वाली भी कंप्लीट कर लेते हैं। रेडी हो चुके हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म है, इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा हल्की आंच पे फ्राई करेंगे।
चीज़ जल्दी से फ्राई हो जाती है। माशाल्लाह से इनका कलर आ चुका है। बाकी भी शामिल कर देते हैं। ये भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको भी भाई इसको भी निकाल लेते हैं। बची हुई बोटियों को हमने ब्रेड क्रम लगा दिया था, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। ये भी फ्राई हो चुकी है, इसको भी निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पर क्लिक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत ईजी और आसान है, बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। अगले वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।